नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज टाइम न्यूज आपके लिए खबर है स्वर्णिम भारतीय समाज पार्टी की। स्वर्णिम भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को आज मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभर को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की थी। राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। हालांकि इस प्रकरण पर राजभर ने कहा है कि उन्होंने 13 अप्रैल को ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था, अब उनको बर्खास्त किया जाए। स्वर्णिम भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अलावा 5 निगमों के पार्टी के 7 अध्यक्ष व सदस्यों को पदमुक्त किया गया है। इनमें से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। अभी तक की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्वर्णिम भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आरक्षण के वर्गीय की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर भाजपा व सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते थे। चुनाव से पहले उन्होंने आरक्षण के वर्गीकरण को लागू करने की मांग रखी थी। मांग पूरी ना होने पर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा जब स्वीकार नहीं किया गया था। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बयानबाजी के बाद राजभर ने अपनी पार्टी स्वर्णिम भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर पूर्वांचल की 39 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। और ओम प्रकाश राजभर ने अंत में यह कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मुझे भाजपा से टिकट पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि इससे मेरी पार्टी खत्म हो जाती। और ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि मुझे पता था कि चुनाव तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ऐसा कुछ होने वाला है। अब जो कुछ भी करना है वह करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई खबर डालूं आपके पास सबसे पहले बिना किसी रुकावट के पहुंच सके और आप उस खबर को बिना किसी रुकावट के सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।